हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। ज्योति भारती खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी, वो आप घर पर रखे इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। तो दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अरहर की दाल ली है, ये 1 कटोरी दाल है, और मैंने इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से साफ़ कर लिया है। दाल को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो गैस पर हमने कुकर पहले से गर्म करने के लिए रखा था मीडियम फ्लेम पर, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप किया हुआ लहसुन, और यहाँ पर हरी मिर्ची चॉप की हुई डाल दी है। आप अपने जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच नमक, और यहाँ पर ऐड कर दिया हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब यहाँ पर हम दाल को उबलने के लिए रख देते हैं, और हम बहुत ही नए तरीके से यहाँ पर अरहर की दाल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल ली है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास पानी और रख दिया है। पहले से दाल में पानी था, तो हमने 1/2 ग्लास पानी और ऐड करके इसे 2 बिसल आने तक पका लिया है। तो देखिए, बिसल आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से पक गई है। आज हम जो दाल बनाने वाले हैं वो बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको सडनली किसी गेस्ट के आने पर खाना बनाना पड़ता है, तो आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने दाल को एक बर्तन के अंदर निकाल दिया है। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत पुराना तड़का पैन ले लिया है, और इसे लो फ्लेम पर तेल डालकर गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे 2 चम्मच तेल हमें ले रहे हैं, सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, और हमने यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है, कुछ हमने करी लीव्स इसमें डाल दी हैं, और इसे हल्का गोल्डन कलर होने तक इसे पकने देंगे। अब हमने इसमें ऐड कर दिया खूब सारा हींग, मतलब 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर हींग डाला है। हींग से जो हमारा दाल का स्वाद रहेगा वो बहुत ही लाजवाब बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और थोड़ा सा हम कलर के लिए डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो तड़का तैयार है और हमने इसे दाल में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं दाल का कलर, और हमारा तड़के के साथ हम इसे गार्निश कर रहे हैं हरे धनियों की पत्ती के साथ। और ये इस तरीके से अगर आप दाल तैयार करेंगे तो बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दाल का कलर एकदम परफेक्ट आया है। अब चलते हैं हम यहाँ पर चोखा बनाने के लिए। तो चोखा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 हमने बड़ा बैंगन ले लिया है, 2 लोगों के लिए सफिशियंट है, तो इतना ही हमने साइज का बैंगन लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 कट लगा देंगे छुरी की सहायता से, और इसके अंदर हमने जो लहसुन लिया है उसे अंदर फिट कर देंगे। इससे ये होगा कि किसी को अगर बैंगन खाने में कोई भी दिक्कत होती है या कोई परेशानी होती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता है या बादी चढ़ जाती है, कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है बैंगन खाने से, तो अगर आप लहसुन डालकर अगर आप इसे पकाएंगे, भुनेंगे, तो ये बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और डाइजेशन भी अच्छा होगा और ना ही कोई बादी आपको प्रॉब्लम देगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं नए तरीके से यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, स्टील की जाली रख दी है, उस पर हमने 2 टमाटर रख दिए हैं, 2 हरी मिर्ची, और जो बैंगन हमने लहसुन डालकर रखा था उसे भी भुनने के लिए साथ में रख दिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे 5 से 7 मिनट में। देखिए, हमारा बैंगन अच्छे से पक गया है, और जो टमाटर के छिलके हैं वो ऑटोमेटिक निकल चुके हैं। जब हमने इसे एक चिमटी की सहायता से इसे प्लेट में ट्रांसफ़र किया था, तो तभी इसके छिलके उतर चुके थे, क्योंकि भुनने के बाद इसके छिलके ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैंगन को अब हम साफ़ कर देते हैं। आप चाहें तो इसे फोक की सहायता से आप इसके छिलके निकाल दीजिए, बहुत इजी तरीके से निकल जाता है, या फिर आप इसे हाथ से भी इसके छिलके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए फोक की सहायता से इसके छिलके अलग कर देती हूँ, बाद में हम इसका बैंगन जो है और लहसुन अलग कर देंगे साफ़ कर। तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो हमारा जो बैंगन है वो एकदम अच्छे से निकल चुका है। तो मैंने इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसमें हमने जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए हैं। इसमें मैंने कुछ हरे धनिया के पत्ते और कुछ मैंने चॉप की हुई हरी मिर्ची मिक्स कर दी है। तो देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो 1/2 चम्मच नमक डाला है, स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा नमक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस विस्क की सहायता से इसे मैश कर दिया है। हम इसे बिल्कुल भी नहीं घोटेंगे, केवल हल्का सा इस तरीके से मैश कर देंगे। हम चाहते तो इसे मिक्सर में चला सकते थे, ग्राइंड कर सकते थे, लेकिन वो एकदम घुट जाता है, एकदम पेस्ट बन जाता, तो हमें वैसा नहीं चाहिए है, क्योंकि लिट्टी के साथ जो चोखा खाया जाता है
वो इस तरीके का होता है। तो हमने वैसा ही चोखा बनाकर तैयार किया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। हमारा जो चोखा है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है और एकदम देसी स्टाइल में बनाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लिट्टी। लिट्टी बनाने के लिए एक हमने बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम डेढ़ कटोरी नॉर्मल जो हम आटा यूज़ करते हैं वही आटा हमने लिया है, ना ही कोई पतला है ना ही कोई मोटा आटा यूज़ किया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है, नमक स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी चम्मच भरकर तेल डाल दिया। अगर आप दो चम्मच डालेंगे तो दो छोटी चम्मच तेल यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने इसमें डाला है 1/4 चम्मच सोडा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी लिट्टी बनाते हैं तो उसमें आप सोडा डाल दीजिए, उससे आपकी जो लिट्टी बनेगी वो बहुत ही अच्छे से ब्रेक होगी, बहुत ही अच्छे से फूलेगी और क्रिस्पी भी बनती है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, इसका एक थोड़ा सा टाइट डो तैयार कर लेंगे। हम जैसा नॉर्मली आटा तो बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम टाइट आटा बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। लिट्टी का जो आटा तैयार होता है वो थोड़ा सा हार्ड ही होता है, कड़क होता है। तो देखिए हमारा जो आटा है वो लगभग गूंथ चुका है, अच्छे से तैयार हो गया है। और हम इसे मसल मसल कर इस तरीके से अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो आटा है वो एकदम परफेक्टली गूंथ चुका है। अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन से इसे कवर कर दिया है और 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तब तक हम इसकी लिट्टी की फिलिंग तैयारी कर लेते हैं। तो लिट्टी की फिलिंग बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ सत्तू। तो ये मेरे पास मार्केट से तैयार पैकेट था, वही भुना हुआ सत्तू हमने लिया है। अगर आपके पास भुना हुआ सत्तू नहीं है तो आप घर पर ही सत्तू बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो आपके भुने हुए चने होते हैं उसे आप छिलके निकाल कर ग्राइंड कर लीजिए, वो भी आपका सत्तू बन जाएगा। या फिर आप बेसन को भी हल्का रोस्ट करके आप सत्तू तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हमने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, एक चॉप किया हुआ प्याज हमने ऐड कर दिया है और दो हरी मिर्ची बारीक चॉप करके रखी थी वो भी हमने ऐड कर दी है। और हमने हरा धनिया साफ कर धोकर काट कर रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। दो चम्मच हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे। आप भले जब आटा गूंथते तो उसमें भले आप ऑयल यूज़ करिए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप लिट्टी का फिलिंग बनाते हैं उसमें आप घी ही ऐड करिए, क्योंकि घी से जो आपकी लिट्टी बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी रहेगी, अंदर से बहुत ही टेस्टी होगी और घी डालने से जो लिट्टी का स्वाद है वो बहुत ही यमी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हम इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे मिक्स कर लेना है, हमें एकदम इसका डो तैयार नहीं करना है, केवल इतना रेडी कर लेना है कि जब हम लिट्टी बनाएंगे तो उसकी जो फिलिंग्स है वो आराम से उसके अंदर हम भर सकें। मतलब अगर ड्राई रहेगा तो आपका जो लिट्टी है वो मसाला अंदर से बाहर निकलेगा, इसलिए हमने देखिए इस तरीके से इसका हल्का सा इसे गूंथ लिया है। इसका देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉल बन सकते हैं, हम इसे और ज़्यादा नहीं गूंथेंगे। हमारी जो फिलिंग्स है वो एकदम परफेक्टली तैयार है और इसे इससे ही छोड़ देंगे। तो देख लेते हैं हमारा आटा भी सेट हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे अच्छे से 1 से 2 बार इस तरीके से मसल मसल कर गूंथ लेते हैं। हमारा जो लिट्टी का डो है वो एकदम रेडी है। अब हम इस बनाना स्टार्ट करते हैं लिट्टी। तो लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पर फिलिंग्स भी रेडी है और आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो फिलिंग्स बनाई है उसके इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसे ना ही आटे जैसा गूंथा है केवल हल्का सा पानी डालकर इसे तैयार कर लिया है। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेना है, लेकिन जो आप लिट्टी बनाएंगे उससे छोटे ही इसके बॉल बनाकर तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे ये सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं लिट्टी। तो यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से सेट है, तो हम इसे एक लंबा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और एक छुरी की सहायता से इसका साइज कट कर देंगे। आप जिस भी साइज में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। तो देखिए अब हम जैसे नॉर्मली रोटी के लिए लोई तैयार करते हैं, पेड़ा बनाते हैं, वैसे ही हमने हाथ पे दबाते हुए इसका डो तैयार कर लिया, लेकिन हम इसे ज़्यादा नहीं मसलेंगे। हम इसे केवल नॉर्मली ऐसे ही दबाकर रखते जाएंगे, हथेली की सहायता से प्रेस करते हुए इसके गोल गोल गोले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारी 9
लिट्टी बनकर तैयार होंगी। तो अब देखिए, मैंने जो आटे के गोले तैयार किए हैं उसे हाथ की हथेलियों की सहायता से उंगलियों से दबाते हुए इस तरीके की से छोटी सी रोटी बना दी। उसके अंदर हमने फिलिंग फिल कर दी है और देखिए इस तरीके से मोड़ दिया है और हाथ पर इसे 2 से 3 बार अच्छे से घुमा दिया है। लेकिन हम इसे बिल्कुल भी चिकना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो लिट्टी तैयार होगी वो थोड़ी सी ब्रोकन वाली होना चाहिए। हमारी जब लिट्टी पककर तैयार होगी तो वो एकदम चिकनी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रेस करके नहीं दबाएंगे, केवल हल्का हल्का हाथों पे घुमा देंगे। तो देखिए, हमने एक लिट्टी बनाकर तैयार कर दी है। इसी तरीके से दूसरी लिट्टी भी हमने तैयार कर दी है और हथेली पर रखकर 2 से 3 बार हम इसे घुमा देंगे, लेकिन चिकना नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे इसमें थोड़ा सा ब्रेक दिख रहा है, हमें ऐसे ही लिट्टी बनाकर तैयार करना है। तो सारी लिट्टियाँ हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं और एकदम परफेक्टली सेट हो चुकी हैं सीखने के लिए। हमारा 9 लिट्टी बनने के लिए आटा तैयार था, लेकिन हम यहाँ पर केवल 8 ही लिट्टी बनाकर तैयार कर रहे हैं। और एक जो फिलिंग्स का बॉल हमारे पास है उसे हम मॉर्निंग में पराठा बनाकर एंजॉय करेंगे। अगर आपका ये इस तरीके से मसाला बच जाता है तो आप पराठे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं सत्तू के पराठे। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो गैस पर हमने एक स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर हमने एक जाली रख दी है। आपके पास जो भी जाली अवेलेबल है आप उस पर सेक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, या फिर आपके पास रोटी स्टैंड भी होगा, रोटी जो सेकने वाला स्टैंड होता है उस पर भी आप बाटी सेक सकते हैं, लिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो सारी लिट्टियों को हमने इस स्टैंड पर रख दिया है। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर लिट्टी के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया था, इससे यह होगा कि जो हमारी लिट्टियाँ हैं वो जलेंगी नहीं और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगी, सिक जाएंगी। तो हमने गैस की फ्लेम लो ही रखा है और 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे ही इसे सिकने देंगे। इसके बाद हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे, इससे ये होगा कि जो लिट्टी है वो बहुत ही जल्दी सिक कर तैयार हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है। 5 मिनट के बाद हम इसे पलट के देखते हैं। तो देखिए, हमारी जो लिट्टी है वो एक तरफ से सिक चुकी है। हम इन सारी लिट्टियों को पलट देंगे। अगर आपको लिट्टी थोड़ी भी गर्म लगती है तो आप किसी भी चिमटे की सहायता से पलट दीजिए, बट अभी लिट्टी मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा है तो मैंने हाथ की सहायता से ही, हाथों से ही इसे पलट दिया। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छे से निशान भी दिख रहे हैं, स्टेन के निशान आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से ढक्कन कवर कर इसे पका लिया है। 5 से 7 मिनट बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर जो लिट्टी है वो बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है, लेकिन अभी एकदम परफेक्टली नहीं सिकी है, अभी थोड़ा सा ये अंदर से कच्चा है। तो हम इसे और सेकेंगे 5 से 7 मिनट। तो टोटल यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगता है लिट्टी को सेकने के लिए। पलट पलट कर आप इसे सेक लीजिए इस तरीके से, और आप इसे साइड से भी सेकना होता है तो आप उसे थोड़ा सा खड़ा करके भी आप सेक सकते हैं या उसका साइड चेंज कर भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लिट्टी है वो लगभग सिक चुकी है। अब हम इसे एक ट्रांसफ़र कर देते हैं, निकाल देते हैं एक प्लेट के अंदर। तो सारी लिट्टियों को हमने इस चिमटे की सहायता से पकड़ कर निकाल दिया है। हमारी लिट्टी यहाँ पर टोटल 25 मिनट में सिक कर तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं ना ही ये जली हैं और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी बनी है। यहाँ पर हमने एक कटोरी के अंदर घी पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। तो अगर लिट्टी आप बना रहे हैं और घी ना हो तो फिर क्या बात हो, क्योंकि हमारी जो लिट्टी का स्वाद है वो घी से ही होता है। तो यहाँ पर चम्मच से मैं इसके अंदर घी भर कर और ऊपर से हम इसे घी में डिप कर देंगे, तो इससे जो लिट्टी है वो अंदर से बहुत ही टेस्टी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप घी अगर नहीं खाते हैं तो कम घी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन घी की बनी हुई लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डेलीशियस बनता है। तो इस तरीके से हमने देखिए सारी लिट्टी के ऊपर घी लगा दिया है और अंदर भी घी इसके अंदर भर दिया है। अब आप इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं। मैं आपको इसे अंदर से दिखा देती हूँ। देखिए, ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी हैं, हमें इसे तोड़ना नहीं पड़ रहा है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी हैं, क्योंकि जब हमने इसके गोले तैयार किए थे, फिलिंग फिल की थी, उसके बाद हमने इसे ज़्यादा नहीं घुमाया था हथेलियों पर, केवल हल्का सा ऐसे ही 1-2 बार इसे हथेलियों पे घुमा दिया था। इससे हमारी जो लिट्टी का शेप है वो बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पर तैयार है हमारी दाल लिट्टी चोखा एकदम बिहारी स्टाइल में, और हमने इसे सर्व किया सलाद, अचार और रायते के साथ। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।